दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ऐसे दो प्रकार के मर्दों के बारे में जिनको औरतें कभी भी पसंद नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, आज मैं आपको ऐसे दो प्रकार के मर्दों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की बिल्कुल भी भाव नहीं देती और उनसे कभी भी कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की इम्प्रेस नहीं होती। तो अभी आप बोलोगे कि भाई कौन से है वह दो प्रकार के मर्द, जल्दी से जल्दी बता। हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रकार के जो मर्द है या फिर सबसे पहले प्रकार के जो पुरुष है वो कौन से है कि वो पुरुष औरत के साथ टाइम तो बिताते हैं पर क्वालिटी टाइम यानी कि क्वालिटी समय बिल्कुल भी नहीं बिता पाते। तो अभी आप बोलोगे कि भाई टाइम और क्वालिटी टाइम इसमें फ़र्क क्या है। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि क्वालिटी टाइम का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि आप जब भी उसके साथ रहते हो, जब भी आप उसके साथ बातचीत करते हो तो आप उसको हंसाते हो, आप उसको फील कराते हो कि तुम एक स्पेशल हो, यानी कि आप उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करवाते हो। तो दोस्तों आप अगर ऐसा उसके साथ हमेशा करते हो तो आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। पर कुछ कुछ पुरुषों के अंदर एक ऐसी गंदी आदत होती है कि वह औरत के साथ सिर्फ टाइम बिताते हैं कि आज तुमने क्या किया, आज खाना खाया कि नहीं, आज तुम कॉलेज को गई थी क्या, यानी कि हमेशा उसको क्वेश्चन आंसर ऐसा उसको हमेशा करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो क्योंकि ऐसे पुरुषों को कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और दोस्तों दूसरे प्रकार के मर्द है वो कौन से है कि ऐसे पुरुष जो हमेशा पास्ट की या फिर फ्यूचर की हमेशा बातें करते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ कुछ पुरुषों के अंदर एक ऐसी गंदी आदत होती है कि वह हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं कि आगे क्या होगा, मुझे तो बहुत टेंशन है, आगे हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी, यानी कि वह हमेशा उसको दुख दिलाते हैं कि उसको ऐसा दिखाते हैं कि मेरा जो पास्ट था, मेरा जो भूतकाल था वह एकदम बेकार था। तो आप उसको ऐसा बिल्कुल भी मत दिखाओ, आप उसके साथ हमेशा प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान काल की बातें करो, ना कि फ्यूचर की, ना कि पास्ट की बातें करो। तो आप यह जो दो प्रकार की जो गलती है वह बिल्कुल भी मत करो क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया तो इन दो मर्दों को कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।